बैठेगा, वो उसको देखेगा, उसको देखने के बाद उसकी सर्च करेगा और उसको इन्वेस्टिगेट करेगा, इन्वेस्टिगेट करने के बाद वो ऑर्डर करेगा। ये ऑर्डर चैलेंजेबल होगा, मतलब अगर इस ऑर्डर को चैलेंज करना था तो चैलेंजेबल होगा कि भाई इन्होंने गलत कर दिया, मैंने ये कंडीशंस हैं, तो वो कोर्ट देख लेगा आगे। 6 साल ये पाकिस्तान से आया, 6 साल आ गया और अन्य कंट्री से 12 साल, 11 साल, 11 साल 11 साल रह लिया, तो फिर वो भारत का नागरिक क्लेम कर सकता है नागरिकता। बेसिक कंडीशन उसकी ये होनी चाहिए कि इन देशों से हिंदू आना चाहिए, ये पीएस देशमुख का कॉल है। और बाकी जो लोग चले गए हैं, जिन्होंने पाकिस्तान चुन लिया है, वो पाकिस्तान चले गए हैं, उनका काम खत्म। इसमें नूरुद्दीन, अब देखो इतनी पॉलिसी तो डॉक्टर अंबेडकर भी एग्रीड है, सब एग्रीड है। डॉक्टर अंबेडकर से पूछा जा रहा है तो वो भी कह रहे हैं कि ठीक है, ये किया जा सकता है, इनकी इनकी चिंताएं ठीक है। और यही बात जब थॉट्स ऑफ पाकिस्तान बाई डॉक्टर अंबेडकर पढ़ेंगे, उनकी बुक खुद की, तो आपको बिल्कुल चरितार्थ हो जाएगा कि डॉक्टर अंबेडकर क्या चाहते। अब देखिए भारत में ये जो डिस्टरबेंस हो इसके लिए क्या, तो भारत में मौलाना आजाद बैठे हुए थे, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में बैठे हुए थे, गांधी जी के बड़े प्रिय थे, और उनके साथ नूरुद्दीन जी बैठे हुए थे, बंगाल से आते थे, उनके साथ मौलाना हजरत मोहनी बैठे हुआ करते थे, अवध से आते थे, आजकल लखनऊ, और ये सब मिलकर पार्लियामेंट में क्या खेल खेल रहे हैं कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में कि इन्होंने नए आर्टिकल्स बनवा दिए। उस समय उन आर्टिकल्स को आर्टिकल 5A, 5B, 5AA, ठीक, और 5B, ऐसे करके नए आर्टिकल्स का नंबर दिया गया, जो आज आप आर्टिकल 5, 6, 7, 8, 9 पढ़ते हैं। आर्टिकल 9 बहुत बाद में जोड़ा गया, आर्टिकल 9 उस समय नहीं जोड़ा गया था। तो उस समय क्या था, जो नए आर्टिकल्स बने वो 5, 5A, 5B, 5AA और 5AB, ठीक, ऐसे आर्टिकल्स बने। इन आर्टिकल्स को डिबेट पर रखा गया, उनको फिर नया नंबर जब दिया गया तो आर्टिकल 5, 6, 7 और 8 दिया गया, ठीक है ना। और भारत की सिटीजनशिप जो छोड़ गया वो फिर बाद में हमने जोड़ा। इन आर्टिकल्स में जब बहस हुई तो नूरुद्दीन साहब क्या कह रहे हैं उनको समझना चाहिए। वो कह रहे हैं पाकिस्तान से जो मुसलमान यहां हिंदुस्तान से जाकर वापस आना चाहता है उसके लिए प्रावधान नहीं है। वो कह रहे हैं कि सिटीजनशिप दो तरह की होनी चाहिए। अब देखो थॉट, सिटीजनशिप दो तरह की होनी चाहिए, एक तो राज्य की सिटीजनशिप, एक यूनियन की सिटीजनशिप। ये नूरुद्दीन साहब कह रहे हैं, मौलाना हजरत मोहदी बड़ी तेजी से वहां पर कह रहे हैं नहीं साहब, राज्य की सिटीजनशिप अलग और केंद्र की सिटीजनशिप अलग। किस राज्य में कौन जाना चाहता है इसके लिए, क्यों, क्योंकि उस समय के जो राज्य हैं, प्रिंसली स्टेट्स हैं, उसमें 100 से अधिक राज्यों में नवाब बैठा हुआ था जिसको हमने रोक लिया यहां, तो वो नवाब तो अपने यहां सिटीजनशिप दे देगा अपने भाई बढ़ाने के लिए। अगर केंद्र नहीं देता तो राज्य दे दे, राज्य में रहने की वजह से केंद्र की सिटीजनशिप उसको एक बार करनी पड़ेगी, 5 साल या 6 साल या 12 साल रहकर। ये चीज देखो, यही सेम चीज बाद में जम्मू कश्मीर राज्य ने अपने यहां लागू की, क्योंकि जम्मू कश्मीर राज्य में वो प्रावधान हमने रोक दिए थे, इसलिए जम्मू कश्मीर राज्य ने क्या किया कि उनके यहां जो पाकिस्तान से आया उसको जो डोमिसाइल है वो जम्मू कश्मीर सरकार ने दे दी। जम्मू कश्मीर सरकार की डोमिसाइल एक्वायर करने के बाद उसने केंद्र की सिटीजनशिप क्लेम कर दी। ये बात उस समय मौलाना आजाद की जो फैक्ट्री है वो सब राज्यों में लागू करना चाहते हैं। आप सोचो कि अगर डॉक्टर अंबेडकर ने यह बात मान ली होती तो भोपाल का नवाब क्या करता, हैदराबाद का नवाब क्या करता, तमाम नवाब, 100 से ऊपर नवाब बैठे हुए थे, ये क्या करते जो पाकिस्तान नहीं गए, जो यहां रुक गए, ये अपने यहां स्टेट की नागरिकता दे रहे होते और ये स्टेट की नागरिकता बढ़ाते बढ़ाते क्लेम करे। जिन्ना की जो दारुल इस्लाम की पॉलिसी है कि हिंदुस्तान को दारुल इस्लाम बनाना और इस्लामिक शासन में लाना, वो चरितार्थ कर देते, उसको भारत के संविधान में इनकॉर्पोरेट कौन करना चाहता है,
क्योंकि संविधान में व्यवस्था होगी तो आगे रास्ता खुलेगा ना। अगर संविधान में व्यवस्था ही नहीं होगी तो रास्ता कैसे खुलेगा। इसलिए जिन्ना के रिश्तेदार जो भारत में रुक गए या रोके गए वो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में हैं और कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का दिमाग परिवर्तन करने में लगे हुए हैं, पूरी शक्ति से लगे हुए हैं कि संविधान में भी ऐसी व्यवस्था रहे ताकि भविष्य में जो हम करना चाहते हैं वो कर लें। आर्टिकल वन की डिबेट मैंने आपको बताई, आर्टिकल वन की डिबेट में जब यूनियन ऑफ इंडिया शब्द इस्तेमाल कर रहे हैं, इंडिया दैट इज भारत शब्द इस्तेमाल कर रहे हैं, तब भी यही नूरुद्दीन और हजरत मोहनी और इनके जितने मुस्लिम यहां पर रोके गए थे ये सब तब भी वकालत क्या कर रहे हैं, तब भी ये वकालत करते समय कह रहे हैं कि छोटे छोटे जो राज्य हैं उनको यूनाइट होने के लिए इसमें प्रावधान रखने चाहिए। यानी कि जो प्रिंसली स्टेट्स हैं इन स्टेट्स की यूनाइट करने की व्यवस्था इस संविधान में रख लीजिए। तो आप सोचते कि कैसे होता, बंगाल एरिया के कुछ नवाब, भोपाल का नवाब, हैदराबाद का नवाब और ये चार पांच बड़े बड़े स्टेट थे, जूनागढ़ का नवाब, ये सब इकट्ठे होते और कहते हमने एक यूनियन बना ली और हम ये यूनियन बनाकर भारत सरकार को चैलेंज कर रहे। कैसी व्यवस्था, ये वही मुगलिया व्यवस्था जिसमें केंद्र की सरकार के साथ चार राज्य मिल गए और चार राज्य अलग से मिल गए, दोनों का युद्ध हो गया, जो जीत गया उसने सरकार बना ली। पूरी में वही चलता रहा कि वो उन्होंने गुजरात विजय कर ली, उन्होंने ये विजय कर ली, उन्होंने ये युद्ध विजय कर लिया, क्या हुआ वहां से 10 राजा इधर से इकट्ठे हुए, राजपूत राजा इधर से इकट्ठे हुए, कुछ राजपूत राजा इधर केंद्र के साथ मिल गए और जीत लिया और जीतने के बाद राजपूताना में अपने ही आदमी बिठा दिए। वो व्यवस्था बरकरार रहेगी तो हिंदुस्तान टूटा हुआ रहेगा और हिंदुस्तान टूटा हुआ रहेगा तो पाकिस्तान उस पर कभी न कभी कब्जा कर ही लेगा, और नहीं तो अगर इन राजाओं ने इकट्ठा होकर भारत सरकार को चैलेंज कर दिया तो कब्जा कर लेंगे, इस्लामिक शासन ले आएंगे। ये व्यवस्था आर्टिकल वन के डिस्कशन के समय पर नूरुद्दीन कह रहा है पार्लियामेंट के अंदर, इसमें कुछ झूठ नहीं है, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली डिबेट उठाकर देख लो, इनके सबके स्टेटमेंट है वहां। क्यों करना चाहते थे भाई, एक देश बना, भारत स्वतंत्र हो गया, एक देश बना, एक देश डॉक्टर अंबेडकर बनाना चाहते हैं, एक शासन व्यवस्था, एक तरह की सिटीजनशिप डॉक्टर अंबेडकर कह रहे हैं। इसके बाद सरदार पटेल कह रहे हैं मैं भारत में दो प्रकार की नागरिकता नहीं दे सकता, भारत में एक ही प्रकार की व्यवस्था रहनी चाहिए, दो प्रकार की व्यवस्थाएं भारत में नहीं दी जा सकती। लेकिन ये लोग क्या कह रहे हैं, ये लोग कह रहे हैं सेपरेट सिटीजनशिप दीजिए, ये लोग कह रहे हैं राज्यों को यूनाइट होने की वो दीजिए, ये लोग कह रहे हैं कि राज्यों को स्वायत्त होने की शक्ति दीजिए। और वही शक्ति जो इस समय उस समय कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली डिबेट में मांग रहे हैं ना, वही मांग रहा था जम्मू एंड कश्मीर पिछले 70 साल से, क्योंकि उस व्यवस्था में एक ही राज्य की मनमानी हो पाई, 100 की नहीं हो पाई। एक की मनमानी इसलिए हो पाई क्योंकि उस समय के परम प्रधानमंत्री जी का वो गृह स्टेट था, इसलिए उनकी शेख अब्दुल्ला के साथ दोस्ती थी, वो जबरदस्ती करके उस स्टेट को उस फॉर्मूले पर जो प्रैक्टिकल था, या प्रैक्टिकल हम कहें कि प्रयोग था, वो प्रयोग वहां कर गए। अगर ये प्रयोग पूरे देश में लागू हो जाता डॉक्टर अंबेडकर अड़ते नहीं, क्योंकि 370 भी जब दे रहे थे तो डॉक्टर अंबेडकर ने विरोध कर दिया था, उस दिन डॉक्टर अंबेडकर ने वो प्रावधान नहीं रखा, उन्होंने कहा मैं देश को एक बनाना चाहता हूं, देश में ऐसी दुई व्यवस्था के लिए मेरे पास कोई स्थान नहीं। 17 अक्टूबर 1949 और उससे पहले ये जो मैं बात कर रहा हूं आर्टिकल वन और आर्टिकल टू, आर्टिकल थ्री, आर्टिकल फाइव से लेकर आर्टिकल 11 आज का, इन आर्टिकल्स की बहस में दिख रहा है कि मौलाना आजाद ब्रिगेड क्या कर रही है अंदर। फिर भी जब इन्होंने इतना बड़ा मांगा, बहसें चली, तो कम्युनिस्ट लीडर और सोशलिस्ट लीडर इनका सपोर्ट करते थे वहां खड़े होकर, क्योंकि ये कम्युनिस्ट और सोशलिस्ट, जैसे सिवन लाल सक्सेना उस समय हुआ करते थे, ये कम्युनिस्ट और सोशलिस्ट ये लीडर्स वहां पर इनकी वकालत कर रहे हैं। इसलिए डॉक्टर अंबेडकर का जब 25 नवंबर 1949 का स्टेटमेंट पढ़ते हैं ना, तो वो कह रहे हैं कि मुस्लिम यहां क्या चाहते थे मैं बता रहा हूं,
सोशलिस्ट क्या चाहते हैं मैं बोल रहा हूं, कम्युनिस्ट क्या चाहते हैं मैं बता रहा हूं, इनकी अपेक्षाओं पर मैं खरा नहीं उतर सक